नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस कॉर्नर में। मैं आपके साथ वीरेन शुक्ला हाजिर हूं करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीएसपी, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल। आपको पता होगा न्यूज़पेपर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है, कि यूएस के राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, मिस्टर ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को, वहां की संसद को लिखा है कि भारत से जीएसपी का दर्जा वापस ले लिया जाए। आज समझेंगे जीएसपी क्या है, क्या पृष्ठभूमि है, क्यों आया था, कब आया था, इसका उद्देश्य क्या है, सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से किस किस को दिया जाता है, इसके परिणाम क्या होंगे, अमेरिका में क्या परिणाम होंगे, भारत में क्या परिणाम, अमेरिका में क्या परिणाम होंगे, भारत इसके क्या परिणाम होंगे, भारत इससे बाहर निकलने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, भारत को कितना नुकसान होगा, ये कदम डिप्लोमेटिक रूप से भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से ये निर्णय कितना एक दूसरे के रिश्तों को लेकर क्या प्रभाव छोड़ेगा, जीएसपी से संबंधित सारे पक्षों पे बात करेंगे। ये एक सिनॉप्सिस बनाया है मैंने, ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केवल लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, लेक्चर इम्पोर्टेंट है, सारे पक्षों को मैं समझाऊंगा बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, सारे पक्षों पे बात करने की कोशिश करूंगा। तो जीएसपी जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल, ठीक है, इस लेक्चर में हम जीएसपी डील करेंगे, अगले लेक्चर में हम यूएस चाइना ट्रेड वार डील करेंगे, ठीक है, और उसके अगले लेक्चर में हम अमेरिका का जो व्यापार घाटा है, ठीक है, जो वस्तु व्यापार घाटा है या टोटल व्यापार घाटा है, दोनों व्यापार घाटे अमेरिका के बढ़ गए हैं, ठीक है, और ये कदम ट्रंप के लिए कितना नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है, सारे पक्षों पर बात करेंगे। तो आज जीएसपी उठाते हैं, जीएसपी का किस तरीके से, जीएसपी जो है जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल, ये यूएस चाइना जो ट्रेड वार है उससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इस लेक्चर को मिलाकर, अगले लेक्चर को मिलाकर, उसके अगले लेक्चर को मिलाकर, सारे लेक्चर में हम सारे चीजों को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, देखेंगे कि जीएसपी जो यूएस चाइना ट्रेड वार है इससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, और यूएस चाइना ट्रेड वार का जो ट्रंप ने एक अभियान चलाया, जबरदस्ती ट्रेड वॉर छेड़ दिया, इसका नुकसान भी अमेरिका की इकोनॉमी को ही देखना पड़ा, ठीक है, सारे पक्षों में बात करेंगे आगे आने वाले दो तीन लेक्चर्स में। तो आज हम जीएसपी समझेंगे, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक जैसे देश ए है, ठीक है, आपको इधर हम समझाएं, ठीक है, एक एक्स कंट्री है, एक वाई कंट्री है, ये रिच कंट्री है, ये थोड़ा पुअर कंट्री है, ठीक है, तो जब इस देश से यहां सामान जाता है तो यहां पर आयात शुल्क लगता है, ठीक है, मान लीजिएगा 10% आयात शुल्क लग गया, और जब यहां से इस पुअर देश से, गरीब देश से इस यहां पे जाता है तो यहां भी 10% का आयात शुल्क लग गया। तो अमेरिका ने कहा कि हम थोड़ा बड़ा दिल दिखाएंगे, जो डेवलपिंग कंट्री हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उनके देश से जो माल अमेरिका में आएगा उस माल पर वो आयात शुल्क नहीं लगाएंगे। सारे माल की बात नहीं थी, एक लिस्ट तैयार की गई, उस लिस्ट में सारे गुड्स के नाम, सारी वस्तुओं के नाम मेंशन किए गए और कहा गया कि इन इन वस्तुओं से इन इन देशों को ये छूट मिलेगी, उनका इतना सामान हमारे यहाँ बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी शुल्क के आ सकता है। 1974 में अमेरिकी संसद में एक एक्ट आया, ये एक्ट पारित हुआ और जीएसपी सिस्टम 1976 में इम्प्लीमेंट हो गया,
व्यवहार में आ गया। शायद आपने इसको देख लिया होगा, ठीक है, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इसको हम साफ कर देते हैं और सिस्टम से समझाएंगे आपको। जीएसपी से संबंध में 1974 में यूएस में एक एक्ट आता है और जीएसपी का सिस्टम 1976 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ये एक लिस्ट है, ठीक है, किन 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 गुड्स को जीएसपी के दायरे में रखा जाएगा, ठीक है, और कौन कौन से देशों के गुड्स को जीएसपी के दायरे में रखा जाएगा, एक लिस्ट तैयार की गई और ये लिस्ट हर साल रिव्यू होती है, ठीक है। कुछ गुड्स को इसमें नया डाला जाता है, कुछ को बाहर निकाला जाता है, हर साल पर ईयर ये लिस्ट रिव्यू होती है, ठीक है। तो हमने ये तो बता ही दिया कि जो जीएसपी की लिस्ट में जो सामान होते हैं जब भारत से अमेरिका जाते हैं तो उनपे वहां पे आयात शुल्क नहीं लगता है। अगर कोई व्यापारी अमेरिका का भारत से 1000 रुपए का सामान लेके जा रहा है, वो सामान ऐसा है जो जीएसपी में आता है, तो वो सीधे 1000 रुपए का ही वहां पहुंच जाएगा, उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, आयात शुल्क नहीं लगेगा, टैरिफ नहीं लगेगा। अमेरिका ने कहा था कि हम जो कमजोर देश हैं, अल्पविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, ठीक है, ऐसे देशों को हम मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम बड़ा दिल दिखाते हुए ये लेके आ रहे हैं जीएसपी, इससे इन देशों को लाभ होगा। अब जिस देश को जीएसपी के तहत जीएसपी के दायरे में रखा गया है उसको लाभ क्या होता है, ठीक है। तो जीएसपी से लाभ क्या होता है, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। जब एक्सपोर्ट बढ़ जाता है तो वहां का लाभ बढ़ जाता है, जब लाभ बढ़ जाता है तो रोजगार बढ़ जाता है, ठीक है, और इसके बाद इन सिस्टम से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो तेज बढ़ती हैं और इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, ठीक है। इसी के साथ उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है, जिसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो जब किसी देश का जब बने बनाए माल का जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं, ठीक है, लेकिन ये लाभ क्या केवल उसी देश को होते हैं जिस देश से माल जाता है? भारत से जो माल जा रहा था क्या केवल इसका लाभ भारत को ही मिल रहा था? तो ये तो सही बात है कि इसका लाभ भारत को मिल रहा था, लेकिन इसका लाभ अमेरिका को भी मिल रहा था, ठीक है। ये तो लाभ हो गया भारत का, ठीक है। अब इस जीएसपी सिस्टम से अमेरिका को क्या लाभ हो रहा था? तो जीएसपी से यूएस को क्या लाभ हो रहा था, ठीक है। तो जो सामान भारत से एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, ये सामान हैंडीक्राफ्ट था, ठीक है, जेम्स
एंड ज्वेलरीज का था, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स था और बहुत सारा सामान था, ठीक है, जो कि जीएसटी के दायरे में था। अब इससे यूएस को क्या लाभ हो रहा था, ठीक है, तो इससे यूएस को लाभ ये हो रहा था कि जो सामान यहां से जाता था तो वहां सस्ता पहुंचता था जाके, तो जब सामान वहां सस्ता पहुंचता था जाके तो वहां कंपटीशन बढ़ जाता था, जो वहां की लोकल कंपनीज थी जो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता था। कंपटीशन बढ़ने से हमेशा वहां की जनता को फायदा होता है, जो कंपटीशन बढ़ता है तो जनता बार्गेनिंग पावर में होती है, जनता को लाभ होता है और वहां की लोकल मार्केट में चीजें सस्ती हो जाती हैं। जब चीजें जब सस्ती होती हैं तो उनकी फिर सेल बढ़ती है और जब सेल बढ़ती है तो सरकार को, यूएस गवर्नमेंट को या कोई भी सरकार हो, उसको टैक्स ज्यादा हासिल होता है। तो बहुत सारे स्तर पर इकोनॉमी का जो होता है लिंकेज बहुत जगह से होता है, ठीक है, इकोनॉमी केवल एक, अगर कोई एक चीज है तो उसका एक जगह से लिंकेज नहीं होता है। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत सारे डायमेंशन से लिंकेज होता है। तो ये तो पहला लाभ हो गया कि लोकल कंपटीशन में, लोकल कंपनीज में कंपटीशन बढ़ रहा था। अब दूसरा लाभ देखिए, यूएस को और लाभ क्या हो रहा था, ठीक है, एक तो हो गया कंपटीशन में रेट गिर रहे थे और सरकार को टैक्स हासिल हो रहा था। दूसरा, जो सामान, जो सस्ता सामान बहुत सारे देशों से या भारत से यूएस में जाता था, ठीक है, जो यूएस में इंपोर्ट होता था, ठीक है, तो उन्हें जब सस्ता मिलता था तो यूएस की जो कंपनीज थी इसको, कंपनी इसको मॉडिफाई कर देती थी, ठीक है, थोड़ा बहुत इसको वैल्यू एडिशन करके अदर कंट्री में सेल करती थी, ठीक है, तो इससे अमेरिका का भी एक्सपोर्ट बढ़ता था, ठीक है, इससे जो है अमेरिका का भी एक्सपोर्ट बढ़ता था। जब एक्सपोर्ट बढ़ता था तो वही सिस्टम, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लाभ होगा, रोजगार पैदा होंगे और इसके साथ फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा, ठीक है, तो बहुत सारे लाभ यूएस को भी मिल रहे थे, ठीक है। ये हमने देख लिया जीएसटी के तहत जिस देश को जीएसटी का दर्जा दिया जाता है उसको क्या लाभ होता है, और जो देश छूट देता है उसको केवल नुकसान ही नहीं होता है, उसको भी लाभ होता है। ठीक है, अब देखें इस समय जो वर्तमान में लिस्ट है उस लिस्ट की क्या स्थिति है, ठीक है, तो जो इस समय लिस्ट है जीएसटी की, इस लिस्ट में 2021 गुड्स हैं जिसमें भारत के 517 के आसपास, लगभग 517 गुड्स जो हैं भारत के ऐसे हैं जो कि जीएसटी के दायरे में है। ये जो जीएसटी है केवल भारत को ही नहीं मिलता है, ठीक है, दुनिया के सारे विकासशील देशों को इस जीएसटी के दायरे में रखा गया है। सबको अलग अलग तरीके से, अलग अलग गुड्स के हिसाब से उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। तो भारत की स्थिति है, लगभग जो यूएस की लिस्ट है जीएसटी की
उसमें 517 के आसपास जो आइटम्स हैं वो इस जीएसपी की लिस्ट में है। ठीक है, ये तो हो गया कि हमारे कितने आइटम जीएसपी की लिस्ट में है और जीएसपी की लिस्ट क्या कहती है। ठीक है, अब समझेंगे कि हमारी व्यापार की स्थिति क्या है, कितना हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, और इस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से, जीएसपी की जो ट्रीटमेंट है, इससे भारत को कितना लाभ हो रहा है, भारत को कितनी छूट मिल रही है। ठीक है, तो भारत जो है यूएस को एक्सपोर्ट करता है 48 बिलियन डॉलर। ठीक है, और भारत यूएस से इंपोर्ट करता है 25 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतना एक्सपोर्ट करता है, इतना इंपोर्ट करता है। तो जो भारत के साथ यूएस का, भारत के साथ जो व्यापार घाटा है वो है लगभग 23 बिलियन डॉलर का, 23 अरब डॉलर का। भारत यूएस को 48 बिलियन डॉलर, 48 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट करता है, और भारत यूएस से 25 बिलियन डॉलर के आसपास इंपोर्ट करता है, आयात करता है। तो जाहिर सी बात है, भारत यूएस को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है। उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। अमेरिका की जो इकॉनमी है वो 20 ट्रिलियन डॉलर की है, भारत की इकॉनमी 2.6 ट्रिलियन डॉलर की है। उस लिहाज से भारत का कोई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है। जिस हिसाब से चाइना का बात करेंगे, चाइना की कि चाइना की स्थिति भारत की तुलना में अमेरिका के साथ क्या है। तो यूएस का जो भारत के साथ व्यापार घाटा है, अमेरिका का जो व्यापार घाटा है भारत से, वो 23 बिलियन डॉलर है। ठीक है, अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार है, यूएस के साथ जो भारत का व्यापार है वो 23 बिलियन डॉलर के सरप्लस में है, 23 अरब डॉलर के सरप्लस में है। भारत को अधिशेष प्राप्त है, भारत बढ़त की स्थिति में है, भारत लाभ की स्थिति में है। अब देखते हैं कि जीएसपी के तहत भारत कितना माल का एक्सपोर्ट करता है और सामान्य रूप से कितना एक्सपोर्ट करता है। तो जो भारत का यूएसए को जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो जो सामान एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो है 43 बिलियन डॉलर और जीएसपी के तहत है 5.6 बिलियन डॉलर, लगभग 40,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, इतना व्यापार जो है भारत, इतना सामान जो है, इतने डॉलर का, इतने रुपए का सामान भारत अमेरिका को भेजता है, जिस पर अमेरिका टैरिफ नहीं लगाता है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता है। इतना तो भारत, इतने रुपए का भारत माल भेजता है, तो जीएसपी के तहत इससे, इतने 40,000 करोड़ रुपए से भारत को शुद्ध लाभ कितना होता है। भारत को जो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रखी है अमेरिका ने, और इस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के तहत, जीएसपी के तहत भारत इतना माल तो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो भारत को लाभ कितना होता है। तो भारत को लाभ होता है
19 करोड़ डॉलर का भारत को इतना लाभ होता है। अब अमेरिका भारत से कह रहा है कि हमने आपको जीएसटी का दर्जा दिया हुआ है, आप भी हमें बहुत सारे सामान में जो सामान अमेरिका से भारत आता है उस पे भी हमें छूट दीजिए। पिछले साल से अमेरिका ये 2018 से ट्रंप ने ये बात कही थी और ट्रंप लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें भी, हम भारत को छूट दे रहे हैं तो भारत हमें भी छूट दे, मतलब बराबरी वाला व्यवहार की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि ये मांग कितनी सही है और कितनी जायज है, कितनी गलत है, इस बात की हम बात करेंगे भी। ठीक है, तो 2018 में अप्रैल में ट्रंप ने कहा था कि हम भारत को छूट देते हैं, भारत भी हमें छूट दे। तो जब भारत नहीं तैयार हुआ तो लास्ट ईयर ट्रंप ने क्या किया, जो स्टील और एल्यूमिनियम भारत से यूएस को एक्सपोर्ट होती थी इस पर टैरिफ इंक्रीज कर दिया। भारत ने खैर इस पर आपत्ति जताई और भारत ने कहा कि हम भी इस पर रिटेलिएट करेंगे। खैर भारत ने रिटेलिएट किया नहीं उस समय, ठीक है, भारत ने मामले को बैलेंस किया क्योंकि हमारा भी जीएसटी के तहत काफी सारा एक्सपोर्ट होता है तो हम स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ट्रंप ने लगातार ये मांग छोड़ी नहीं, ठीक है, बराबर वो मांग करते रहे कि नहीं नहीं हमें तो जीएसटी का, हम भारत को छूट देते हैं तो भारत भी हमें छूट दे। और ट्रंप ने कहा कि भारत से रॉयल एनफील्ड जो बाइक है उसको हम जीरो टैरिफ पे इंपोर्ट करते हैं। ट्रंप ने कहा कि जो रॉयल एनफील्ड भारत में बनती है, ये जो बाइक है, इसको हम जीरो टैरिफ पे इंपोर्ट करते हैं, जबकि ये तो हो गई इंडिया की, ठीक है, इधर आ जाते हैं। कहा यूएस की जो बाइक है हार्ली डेविडसन, ये जब भारत जाती है, ठीक है, भारत को एक्सपोर्ट की जाती है तो इस पे भारत बहुत बहुत ज्यादा टैरिफ इंपोज करता है जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है। ये बात कहते थे ट्रंप सर, ठीक है, और एक साल से नेगोशिएशन चल रहा था, लास्ट में बात नहीं बन पाई तो ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को, अमेरिकी संसद को लिख दिया कि भारत से जीएसटी का दर्जा वापस लिया जाए। अभी लिखा है, इसको रिव्यू करने में, देखने में लगभग 60 दिन का समय लगता है, ठीक है। अब इससे देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या होंगे, अगर जीएसटी 60 दिन बाद बात नहीं बन पाती है तो क्या प्रभाव होंगे भारत पर, क्या होंगे अमेरिका पे। अच्छा, अमेरिका और मांग कर रहा था, ठीक है, ये जीएसटी का जो एग्जांपल दे रहा था बाइक का, इसके साथ साथ अमेरिका और क्या मांग कर रहा था भारत से, यूएस भारत से कह रहा था कि जो अपनी इकोनॉमी है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी में हमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो दूध से संबंधित जो प्रोडक्ट बनते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन पे हमें छूट दीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के जो
प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें छूट दीजिए, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स पर या मेडिकल प्रोडक्ट्स पर छूट मांग रहा था यूएस। तो भारत ने अपने कंसर्न्स जाहिर किए कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे हम आपको छूट क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जो जीविका है वो पशुपालन पर निर्भर है, लोग दूध बेचकर अपनी जीवन की रोजी रोटी चलाते हैं, भारत में लोगों का एक बहुत बड़ा आजीविका का स्रोत है, इसलिए हम आपको डेयरी के मामले में छूट नहीं दे सकते हैं, हमारे देश को बहुत नुकसान होगा, हमारे यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान होगा, ठीक है। और एक बार एक इशू और था, एक रिलीजियस इशू था, एथिकल इशू था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डेयरी से संबंधित एक रिलीजियस एथिकल और कल्चरल इशू था। भारत अमेरिका से कह रहा था कि जो वहां के जानवरों को जो चारा दिया जाता है अमेरिका के, वो चारा में मांस के रूप में कुछ तत्व होते हैं, ठीक है, मांस भी वहां के जानवरों को खिलाया जाता है, तो भारत अमेरिका से कह रहा था कि हमारे देश में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, भारत की अपनी मान्यताएं, परंपरा, संस्कृति, वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है, धर्म अलग अलग है, ठीक है, हमारे देश में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, अमेरिका हमें एक सर्टिफिकेट दे, अमेरिका हमें एक सर्टिफिकेट दे और प्रामाणिकता के साथ ये सर्टिफाई करे कि भारत में जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, भारत में जो डेयरी के प्रोडक्ट्स आएंगे वो डेयरी के प्रोडक्ट्स होंगे, उन जानवरों के दूध से बने हुए होंगे, जिन जानवरों को चारे में मांस नहीं दिया गया होगा, मांस युक्त चारा नहीं दिया गया होगा। अमेरिका इस शर्त पे तैयार नहीं हुआ, ठीक है, नेगोशिएशन चलता रहा, बातचीत चलती रही और बातचीत टूट गई, ठीक है। तो अब तक हम कई पक्ष देख चुके हैं, ठीक है, एक दो पक्ष और बचे हैं, वो भी देखते हैं। तो भारत को क्या लॉस होगा, ठीक है, भारत को क्या नुकसान होगा, भारत को नुकसान क्या होगा, ठीक है, भारत का 5.6 बिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट प्रभावित होगा, ठीक है, इंपोर्ट प्रभावित होगा, सॉरी एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, भारत का 5.6 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, ठीक है, इससे उसे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो माल का एक्सपोर्ट होता है वो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से होता है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव इन पर पड़ेगा, इसके लिए सरकार इनको बचाने के लिए स्पेशल पैकेज जारी कर सकती है, अदर कंट्री में दूसरे देशों में संभावनाएं या मार्केट तलाश सकती है, ठीक है, एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लिए जाने की संभावना है, क्योंकि चुनाव हो गया है, अभी बहुत जल्दी चुनाव का ऐलान हो गया है, ठीक है, 11 अप्रैल से चुनाव है, अभी बहुत जल्दी कुछ हो नहीं सकता है, और अभी अमेरिका ने भी कोई निर्णय नहीं लिया है, बातचीत अभी चल रही है, हो सकता है 60 दिन में भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाए, डील हो जाए, तो वो अपना फिर जो ये कार्रवाई है इसको वापस ले लेंगे।
अगर ऐसा नहीं होता है, आखिर में अमेरिका जीएसपी वापस ही ले लेता है, तो भारत एक आरओएसएल सिस्टम लागू करेगा जो हमारा उद्योगों का निर्यात प्रभावित होगा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को, उनको आरओएसएल ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा। ये क्या है आरओएसएल, ठीक है, इसको बोलते हैं रिबेट ऑफ स्टेट लेवी, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये टेक्सटाइल को दिया जाता है, जो हमारा टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उसे स्पेशल पैकेज या उसके लिए स्पेशल नीति है आरओएसएल दिया जाता है। अभी दो दिन पहले ही भारत सरकार ने टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 3 साल के लिए ये सिस्टम को आगे बढ़ा दिया है। तो इस सिस्टम के तहत जो हमारे $5 बिलियन का जो हमारा निर्यात प्रभावित होगा अमेरिका का जीएसपी दर्जा वापस लेने से, वो सारे वस्तुओं को, सारे गुड्स को आरओएसएल में डाला जा सकता है। जब किसी वस्तु को आरओएसएल में डाला जाता है तो उसका लाभ क्या होता है, ये जो आरओएसएल है इसमें डालने का लाभ क्या होता है, ठीक है, जो स्टेट राज्य जो टैक्स लगाता है वस्तु पर और जो उसपे लेवी लगता है, ये टैक्स का ही रूप है, ठीक है, टैक्स का ही रूप है, इसपे जो उद्यम ये टैक्स देते हैं, लेवी देते हैं, इनको रिफंड मिल जाता है, इनको वापस मिल जाता है, इससे इनका माल जो है, इनके जो प्रोडक्ट हैं, वो सस्ते हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन फेस कर पाते हैं। तो जीएसपी के तहत जो हमारा $5.6 बिलियन का जो एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है उस पर विचार किया जा रहा है, उसको आरओएसएल के तहत रख दिया जाएगा। अभी देखो रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, अभी तो बातचीत चल रही है, वाणिज्य सचिव ने कहा है कि अभी बातचीत चल रही है, वो तो आगे देखने वाली बात है कि 60 दिन में क्या निर्णय करता है अमेरिका या अमेरिका की संसद, अमेरिका की राष्ट्रपति। अब इससे अमेरिका को क्या लॉस है, इससे अमेरिका को लाभ होगा या अमेरिका को इससे लॉस होगा, तो अमेरिका को लाभ नहीं, लाभ नहीं, लॉस ही होगा। कई जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट के या इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं ये कदम, अमेरिका का ये कदम काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ठीक है, कैसे, अभी अमेरिका सस्ता, अभी जो हमारी चीजें अमेरिका में सस्ती पहुंचती थी तो उसे सस्ती हासिल होती थी और उसको अमेरिका की कंपनियां वैल्यू डिजाइन करती थी, मॉडिफाइड करती थी और इसके बाद दूसरे देशों में भेज देती थी। अब जब वहां की सरकार इस पे ड्यूटी लगा देगी, शुल्क लगा देगी, तो जो चीजें भारत से जाएंगी वो अमेरिका में महंगी हो जाएगी। जब अमेरिका में महंगी हो जाएगी, वहां की कंपनी इसको मॉडिफाइड करेगी या वैल्यू एडिशन करेंगी, तो ये दूसरे देशों में जब बिकने जाएंगी, ठीक है, दूसरी कंट्री में, तो वहां कंपटीशन का सामना नहीं कर पाएंगी, वहां बिक नहीं पाएंगी, इससे वहां की जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनके लाभ, उनका जो है लाभ कम हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका की कई कंपनियां और मेन कंपनी वॉलमार्ट है, इस जीएसपी सिस्टम को जो वापस लिया जाने का प्रस्ताव किया गया है ट्रंप का, तो वहां की कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। हमें भारत और ब्राजील, ये दो कंट्रीज जो हैं,
ये मेजर बेनिफिशरी हैं, इंडिया और ब्राजील जीएसपी के मेजर बेनिफिशरी हैं, जो यूएसए की जीएसपी है। लेकिन अभी दर्जा वापस लेने की बात की है अमेरिका ने भारत से और टर्की से, इन दो देशों से दर्जा वापस लेने की सिफारिश की है। तो इससे भारत को थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन अमेरिका को भी नुकसान होगा। अब बात है कि रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका का ये कदम कितना सही है। तो देखो, भारत का तो $23 बिलियन का ही व्यापार घाटा है अमेरिका के साथ, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका का चाइना के साथ 320 बिलियन का व्यापार घाटा है। 320 बिलियन का यूएस का व्यापार घाटा है चाइना के साथ। तो क्या अमेरिका भारत को चाइना के साथ कंपेयर करेगा? चाइना तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, भारत उसकी तुलना में बहुत छोटी इकोनॉमी है, अमेरिका भी बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या भारत के साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि बराबरी का व्यवहार करेगा? ये तो बात सही नहीं है। दूसरी बात, वैसे तो अमेरिका बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि भारत हमारा स्वाभाविक मित्र है, ठीक है, एशिया का मित्र है, हम मिलकर बहुत सारे सुपर काम करना चाहते हैं, दोनों दुनिया के बड़े लोकतंत्र हैं, मजबूत लोकतंत्र हैं, भारत हमारा स्वाभाविक सहयोगी है, डिफेंस का पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है और इतने छोटे से मुद्दे पर वो भारत के साथ एक बहुत ही गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। इसका दोनों देशों के रिश्तों पर प्रभाव पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति आशंकाएं उत्पन्न होंगी। और भारत इसके लिए, भारत ने ये दर्जा मांगा नहीं था, अमेरिका ने अपनी स्वेच्छा से दिया था, पहले अपनी स्वेच्छा से दर्जा दिया था और अब जब भारत का व्यापार बढ़ गया है तो वो इसको वापस लेने की कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ भारत WTO में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये GSP हुआ, ठीक है, ये GSP का प्रभाव हुआ। और हम अगले में बात करेंगे यूएस चाइना ट्रेड वार। जब से ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, पूरी दुनिया बदल डाली इन्होंने। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील रद्द कर दी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर आ गए, पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर आ गए, ठीक है, GSP रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर मेक्सिको पर दीवार बनाने के लिए अड़े हुए हैं, ठीक है, सीरिया से ट्रूप्स वापस बुला लिए हैं, अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की बहुत जल्दबाजी में हैं, ठीक है, तो वहां पर किसी तरीके से तालिबान को समझ ही नहीं रहे हैं, बस जल्दी से जल्दी वहां से अपने ट्रूप्स वापस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं ट्रंप साहब, ठीक है, बहुत एकदम दुनिया बदल डाली है इन्होंने, जिसके अच्छे प्रभाव तो नहीं आ रहे हैं। जो यूएस और चाइना ट्रेड वार किया, जो ट्रेड वार शुरू किया, इसका भी नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा, अमेरिका के साथ दुनिया को भी झेलना पड़ा। आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यूएस चाइना जो ट्रेड वार है, इसका अमेरिका को भी नुकसान हुआ, चाइना को भी नुकसान हुआ, और भी देशों को नुकसान हुआ, अमेरिका को ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रंप ने जो यूएस ट्रेड वार शुरू किया, यूएस चाइना ट्रेड वार, उनके लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ, ठीक है। किस तरह से अमेरिका का व्यापार घाटा, वस्तु व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पिछले दशक में 10 साल में 2018 में ही $48 बिलियन का व्यापार घाटा अमेरिका को देखना पड़ा है, ठीक है। सारे पक्षों में बात करेंगे हम। अभी हमने GSP समझा, GSP और MFN में अंतर क्या है, ठीक है, लास्ट टॉपिक बता दें GSP। अभी क्योंकि भारत ने भी पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया है, ठीक है। तो GSP एक स्वैच्छिक है, ठीक है, यह स्वैच्छिक है, ठीक है, जबकि MFN WTO की शर्तों के आधार पे दिया जाता है, ठीक है। इसमें किसी भी देश को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, अलग अलग देश को
अलग अलग दी जा सकती है। लेकिन इसमें जो है अगर किसी को अगर चार देश को चार कंट्री को कोई कंट्री एमएफएन स्टेटस देता है तो ठीक है, इन चारों के साथ जो इंपोर्ट होगा तो एक तो पूरे माल पे लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पर है लिस्ट, उस लिस्ट में जितनी चीजें दर्ज होंगी वही लागू होगा, लेकिन यहाँ पर ठीक है पूरा माल होगा। ठीक है, और जो व्यवहार एक देश के साथ किया जाएगा वही व्यवहार जितने देशों को जो व्यवहार एक देश के साथ वही व्यवहार जितने देशों को एमएफएन का स्टेटस मिला हुआ है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम बांग्लादेश को दिया, भूटान को दिया, नेपाल को दिया, श्रीलंका को दिया है, तो श्रीलंका को तो हम माल क्या जो सामान आ रहा है उसको मैंने छूट दे रखी है, लेकिन वही सामान जब नेपाल से, बांग्लादेश से आ रहा है, भूटान से आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको छूट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जबकि जीएसपी में ये संभावना बनती है, इसकी लिस्ट अलग होती है। ठीक है, तो ये था जीएसपी और एमएफएन में अंतर, हमने जीएसपी को डिटेल से समझा। अब 60 दिन बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इसका जीएसपी से संबंध, अमेरिका को नुकसान। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने आज किया जीएसपी। जुड़े रहे आप आईएएस कॉर्नर के साथ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे आईएएस कॉर्नर के साथ, आईएएस कॉर्नर ऑलवेज विद यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।